चाय की दुकान से उठकर सियासत के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्षों बाद अपने घर वडनगर पहुंचे तो वह भावुक हो गए। 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, हटकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, जिस स्कूल में बचपन बीता था उसकी मिट्टी को माथे पर लगाया, जिस रेलवे स्टेशन पर चाय बेची थी उसकी नई बिल्डिंग को लोगों को समर्पित किया, तो 500 करोड़ रुपए की लागत से बने GMIRS मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी किया। खुद के उत्थान में वडनगर के संस्कारों के योगदान को याद करते हुए मोदी ने वडनगर की धरती को न सिर्फ नमन किया बल्कि उसे ऊर्जावान भी बताया। ये आपके आशीर्वाद की बदौलत है कि नई ऊर्जा लेकर के मैं जा रहा हूं और देश के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। आपने मुझे जो सिखाया है, आपने मुझे जो समझाया है, वो दिन ब दिन सर ऊंचा करता रहे, वैसे प्रयासों में कोई कमी नहीं रखूंगा, ये मैं मेरे नगरवासियों को विश्वास दिलाऊंगा। पीएम मोदी ने वडनगर को जिंदा शहर बताया, एक ऐसा शहर जो 2500 सालों से कभी वीरान नहीं रहा। लोगों को उनकी सेहत की याद दिलाई, मिशन इंद्रधनुष का जिक्र करते हुए उन्होंने टीकाकरण को जन आंदोलन बनाने की जरूरत बताई। आने वाले 4 महीने तक हर महीने 7 दिन ये टीकाकरण का मूवमेंट चलेगा और जो बालक टीकाकरण से वंचित रह गए हैं उनको खोज खोज करके टीकाकरण करवाया जाएगा, क्योंकि किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े, इसके लिए इतना बड़ा अभियान चलाया। वडनगर को कई सौगातें देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भरूच पहुंचे। वहां सूरत के उधान से बिहार के जयनगर के बीच चलने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। नर्मदा नदी पर बनने वाले बैरेज की उन्होंने आधारशिला भी रखी। विकास की रोशनी को समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार करने का संकल्प उन्होंने दोहराया। पीएम मोदी ने किसानों के लिए यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। 3 साल के पहले काम शुरू किया और 2 साल हो गए, एक भी मुख्यमंत्री को यूरिया के लिए मुझे चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ रही, कहीं पर भी यूरिया के लिए लाठी चार्ज नहीं हो रहा है, कहीं पर भी यूरिया के लिए किसानों को कतार में खड़ा नहीं पड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, यूरिया का नीम कोटिंग करना। अपनी 2 दिन की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं दी, कुछ का उन्होंने उद्घाटन भी किया तो कुछ की आधारशिला रखी। जाहिर है इस साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, ये परियोजनाएं गुजरात के विकास को गति तो देंगी ही बीजेपी के लिए भी मददगार साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।